नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और अक्सर क्या होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग, तो उसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सर्वनाम का एक जो क्वेश्चन आता है वो आप 100% एकदम सही एक्यूरेसी के साथ में कर पाएंगे। अगर इसके पहले का आपने संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो उसे मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। वीडियो के लास्ट में भी आपको उसे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा की, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपको पता ही है, मैं, तू, आप, स्वयं, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आपको तो पता ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वनाम का इस्तेमाल यानी कि यूज़ क्यों किया गया। ठीक है, मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो उसका यूज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता ही है कि हम बार बार नाम नहीं बोल सकते हैं किसी का, मतलब नाम बोलना थोड़ा कठिन काम है। ठीक है, जैसे कि आपको बोलना है किसी का नाम है सर्वेश है, तो आप कह रहे हैं भाई सर्वेश इधर आ जाओ, तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया ना नाम, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने यूज़ किया तुम इधर आ जाओ भाई, हमें नाम नहीं पता, तू इधर आ जा, मैं इधर आ जा रहा हूँ। हर चीज़ों में मतलब नाम संज्ञा के स्थान पर जो पुनरुक्ति होती थी, संज्ञा जो कि पुनरुक्ति करता था बार बार, उसे हटाने के लिए हमने उसे क्या कर दिया, उसे सर्वनाम से बदल दिया। ठीक है, मतलब संज्ञा के ही स्थान पर, इसीलिए यहाँ पे बोला भी गया है। तो इस लाइन को भी समझिए कि संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है क्योंकि हम उसे पुनरुक्ति से बचना चाहते हैं, बार बार बोलने से किसी का नाम से बचने के लिए हमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया कि तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ, वह लोग घूमने गए हैं, अब वह लोग घूमने गए, उसमें हमने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन हमने उन्हें बात बता दी, तो इसलिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बाकी की तरफ देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि में देखा गया है कि इस समय परीक्षा में क्या किया जाता है कि डायरेक्ट भेद पूछ लेता है। तो जिनको पता है वो तो टिक कराते हैं, जिन्हें नहीं पता है तो वो गलती कराते हैं, वो तुक्का मार के आते हैं, उनका गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें आप गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिए सर्वनाम में आप क्या करते हैं, सर्वनाम ऐसे लिखते हैं, सर्वनाम में ये जो रा है ऊपर वाला, ये कैसा है, 6 के जैसा ही है, देख लीजिए ऐसे। सिर्फ अगर ऐसे कर दें तो ये रा हो गया, और इसी में अगर हम ऐसे कर दें तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब सर्वनाम के क्या हो गए, 6 भेद हो गए। ये आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतने सारे होते हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं, इन सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा नाम है वैसे ही इनके गुण हैं, आपको कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम्पल से इसे बड़े आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पुरुषवाचक को। दोस्तों देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इसके भी भेद पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किनके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपको तो ये पता है कि सर्वनाम संज्ञा की जगह पे किए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक पे किए जाते हैं कि जातिवाचक के स्थान पर किए जाते हैं पुरुषवाचक को, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ये किनके स्थान पर किए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगे। लेकिन अब ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक है, भेद कितने हैं, तो ये आप लोग रट लीजिए, इसे 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, फिर मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले अब बात क्या आती है कि लोगों को, अब क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है उत्तम पुरुष का एग्जांपल कौन सा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सारी चीज़ें
आती हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन सा होता है, मध्यम पुरुष में कौन सा होता है और अन्य पुरुष में क्या होता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको मध्यम और बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ, उसके बाद ये ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले मध्यम पुरुष क्या है। मध्यम पुरुष, इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, मतलब जो मध्य में हो, मतलब आपके साथ आप दो लोग बैठे हैं तो उनके बीच में जो बात हो रही है, एक तो आप खुद हैं और दूसरे कौन है, मध्य है, मतलब जिनके बीच में बात हो रही है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या बोल रहा है, इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, मतलब आप दो लोग बैठ के किसी तीसरे आदमी की, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, कि चुगली कर रहे हैं आपस में बैठ के किसी तीसरे आदमी की। देखिए, चुगली आदमी तभी करता है जब दूसरे आदमी की करनी हो, ठीक है। आपस में बैठ के एक दूसरे की चुगली कोई नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे, कि हुआ क्या कि आप पहले, सबसे पहले उत्तम पुरुष, आप ये इस अन्य पुरुष का एग्जाम्पल क्या, वह, इसने, उसको, इसके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप जान जाए, अब मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कि उत्तम पुरुष कैसे याद करेंगे, कि उसमें मैं, मुझको, ये सारी चीज़ें आती है। देखिए, उत्तम आदमी किसको मानता है, उत्तम आदमी किसको मानता है, अपने आप को मानता है, ठीक है। मैं, मुझे, मुझको, ठीक है, ये सारी चीज़ें उत्तम जो है, मतलब उत्तम मतलब क्या हो गया आपका, सर्वोत्तम, अपने आप को मानना, ठीक है। सर्वोत्तम किसको मानता है, आदमी खुद को मानता है कि भाई मेरे से बड़ा कौन आदमी, मैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही डैशिंग हूँ, ये सारी चीज़ें क्या मानता है, अपने आप को बहुत ही उत्तम मानता है आदमी, इसीलिए वो क्या हो गया, वो हो गया मैं, मुझको, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे आपको याद हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष की। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है, मध्यम, आप दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तो एक तो आप उत्तम पुरुष हैं ही, दूसरे वाले को मध्यम पुरुष है, जो बगल में बैठा आपसे बात कर रहा है, तीसरे आदमी की चुगली कर रहा है, तो वो तीसरा आदमी कौन है, अन्य पुरुष है, मतलब वह, उसने, उसको, उसने उस दिन उसको मारा था, वो बहुत ही गलत काम करता है, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या हो गई, अन्य पुरुष हो गया। और आप मध्यम पुरुष क्या हो गया, जिसके जिसके साथ आप बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलोगे, आपको, मैंने आपसे मिला था, मैं आपको ये देना चाहता था, ये सारी चीज़, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये ट्रिक से आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, जिन्हें नहीं आता वो लोग ज़रूर देख लें। तो अब बात कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं इसे, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, ठीक है, उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, निज, निज मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं, स्वयं, ठीक है, या कर दीजिए आप खुद, ठीक है, मतलब खुद को बर्बाद कर लिया, स्वयं को बर्बाद कर लिया, बात क्या हुई, अपने आप को, अपने आप को कर रहा है, ठीक है, निजवाचक। ये देखिए, इससे पता चल रहा है अपने से, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, इसलिए मतलब मैं निज, मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगा, मैं स्वयं फ़ोन कर लूँगा, इससे क्या पता चल रहा है कि आप निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। तुम स्वयं यह कार्य कर लोगे, ठीक है, तुम स्वयं यह कार्य करो, मतलब तुम स्वयं करो, खुद ही करो, ठीक है, दूसरे से मत कहो, स्वयं करो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब जैसे देखिए, श्वेता आप ही चली गई, मतलब श्वेता जो है अपने आप ही चली गई, मतलब खुद से गई, ठीक है, खुद से ही चली गई। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ भी आपको अपने आप, स्वयं, खुद, ये सारी चीज़ें दिखेंगी तो आप क्या समझ जाएंगे, समझ जाएंगे कि वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, यह, वह, ये, वे, ये एग्जांपल। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं, निश्चयवाचक नाम में निश्चय मतलब आपको एकदम कन्फर्म रहेगा कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ कन्फर्म होगी, जैसे कि यह मेरी घड़ी है, अब इसमें कोई दो राय है नहीं है भाई, क्योंकि आपको सीधा बोल दी कि यह मेरी घड़ी है, ठीक है, किसी दूसरे की नहीं है। वह एक लड़का है, अब आपने बता दिया, कन्फर्म आप बता रहे हैं, निश्चित ही बता रहे हैं कि वह एक लड़का है ना कि लड़की है, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं लेकिन आपको कन्फर्म है कि वो एक लड़का ही है। कह रहे हैं वे इधर ही आ रहे हैं, वे इधर ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इधर आ रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कन्फर्म हो रहा है, आपको निश्चय हो रहा है कि वो इधर आ रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, अब यह पुस्तक
पुस्तक जो है वो मेरी है। अब यह पुस्तक मेरी है, इसका मतलब क्या है? आप एकदम कंफर्म बोल रहे हैं कि आप ही की पुस्तक है, ये रोहन सोहन की नहीं है, ये मेरी पुस्तक है। अगर आप ये बोलेंगे ये रोहन की पुस्तक है, तो इसका मतलब आपको पता है, आपको निश्चित है कि यह पुस्तक सोहन की है, रोहन की है, तो आप कंफर्म बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जहाँ पे भी इस तरीके का आएगा कि आपको कंफर्म है, निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, उसी का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब कि यहाँ पे निश्चित नहीं होगा, जबकि निश्चयवाचक में आपको निश्चित हो रहा था। तो चलिए इसके उदाहरण पे आ जाते हैं तुरंत। लस्सी में कुछ पड़ा हुआ है। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा ये नहीं पता। इसका मतलब क्या है? अनिश्चय है आपका, अनिश्चित है, आपको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आप कह रहे हैं भिखारी को कुछ दे दो। अब कुछ दे दो निश्चित नहीं है कि क्या देना है हमको, कुछ दे दो बस, हमको नहीं पता क्या देना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कौन आ रहा है। अब कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता है, मतलब क्या है, आपको निश्चित है ही नहीं कि कौन आ रहा है। फिर देखिए, राम को किसने बुलाया। अब किसने बुलाया भैया, किसी ने तो बुलाया, लेकिन किसने बुलाया हमको ये नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें भी अनिश्चित हैं, ठीक है। शायद किसी ने घंटी बजाई है, आप शायद लग जाए कहीं पे भी तो वो अनिश्चय ही होगा, क्योंकि आपको इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि किसी ने तो घंटी बजाई, लेकिन किसने बजाई है ये नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं आप संबंधवाचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर्वनाम में यहीं से उठते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब इनमें होता क्या है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जो सो, जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसा वैसा, जौन तौन, इस तरीके के, ठीक है। मतलब एक दूसरे को संबंध बनाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ और वहाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब आप सिर्फ जहाँ बोल के, जहाँ चाह बोल के और वहाँ बोलेंगे तो आपको आगे की कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ जहाँ चाह वहाँ, अब आप कहेंगे आगे क्या, आगे भी इसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि संबंध हमने बता रहे हैं, ठीक है। जैसा हम बोल दें जैसा बोगे वैसा, अब आपने वैसा बोल दिया, इसका मतलब आपको आगे भी कुछ संबंध आपने लगा दिया, तो आगे भी बताना पड़ेगा, इतने में ही आप नहीं रुक सकते हैं। जैसे आपने बोला जैसा बोगे वैसा, फिर आपको क्या बोलेंगे, काटोगे, इसका मतलब आपने संबंध जैसा और वैसा के बीच में बना दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से वह कौन है जो, आपने जो लगा दिया, अब आपने बोला वह कौन है जो, अब आगे भी आपको बोलना पड़ेगा रो पड़ा, हंस पड़ा, या जो भी कर रहा है, ठीक है। वह कौन है जो रो पड़ा, तो वह और जो में संबंध बन गया, ठीक है। फिर जो सो गया वो खो गया, ठीक है, ये भी हो गया जो और वो में, जो सो गया वो, फिर आप खो गया, मर गया, जो भी करना आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, इसमें भी जो और सो के बीच में संबंधवाचक सर्वनाम स्थापित किया गया, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सारी चीज़ें इसी तरीके की हैं, ठीक है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, इस तरीके की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, सबसे आसान यही होता है, रमेश क्या खा रहा है। अब क्या खा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पता चल गया क्या खा रहा है। फिर कह रहे हैं कमरे में कौन बैठा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो गया, प्रश्नवाचक है ये भी, कि कमरे में कौन बैठा है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कल कहाँ गए थे, आप पूछ रहे हैं कि वे जो थे वो कल कहाँ गए थे, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, आप कैसे हो, ये भी आप प्रश्न पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सर्वनाम से रिलेटेड मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़ा दी हैं, बहुत ही आसान था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, ये आपको कौन सा सर्वनाम लगता है कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं इसे पिन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सर्वनाम से रिलेटेड, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन हिंदी के ट्रिक से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं,
ऑलरेडी हमने 17 प्लस वीडियो हिंदी ट्रिक्स से रिलेटेड बना रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और वो भी जल्द से जल्द देंगे। अगर आप कोई टॉपिक हिंदी का पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।